सो गाइस, मैंने ना अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। आज के बाद ना मैं फीमेल कैरेक्टर से खेलूंगा, क्योंकि क्योंकि नारी शक्ति जिंदाबाद। तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार। सो होप गाइस आप सभी लोग को तो बूम बाम होंगे। एंड गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर ना वापस हम लोग बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाले बहुत ही ज्यादा तरक्ते भरकते अपडेट्स एंड इवेंट्स के बारे में, जिसको देख के आपको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। बट उससे पहले गाइस, मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अब गाइस, ये ना 3 महीने पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका 82 लेवल का अकाउंट है और सीजन 4 के बाद जितने भी इलीट पास, मतलब एक एक सीजन का इलीट पास हो गया, उसके बाद आपका चारों के चारों क्रिमिनल्स हो गए, मतलब जितने भी रेयर रेयर बंडल्स है ना हमारे गेम के अंदर, वो हर एक उसके अकाउंट में, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि 3 महीने पहले अगर मैं उससे ना मिला होता ना, तो अभी उसके पास उसका अकाउंट तक नहीं होता। गाइस, गिग्स फॉर गिग्स ला रही है आपके लिए एक रोमांचक डीएसए बैच, जहां पे ना आप 100% स्कॉलरशिप पा सकते हो। जहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा कि 18 सितंबर 2021 को होने वाली है, और ये जो है ये क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होने वाली है। यहां पर ना आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये टेस्ट टोटल 2 घंटे की होने वाली है, 2 आवर्स की। यहां पे जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आप टॉप 5 में नहीं आते हो तो उसका भी टेंशन मत लो, बिकॉज यहां पे जितने भी अवेलेबल कोर्सेज है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएसए टेस्ट का एग्जाम का लिंक दिया गया, तो जल्दी जाके अप्लाई करो, हो सकता है कि टॉप 5 में आप ही आओ। तो गुड लक। अब गाइस देखो, एक्चुअली में हुआ क्या था ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा कि अगर आप एक बार गेम में टॉप अप करते हो, ठीक है, तो आपको ना एक आदत सी लग जाती है। आपको लगती है कि यार अगर गेम के अंदर कोई नया इवेंट आया तो आप चाहोगे यार वो भी इवेंट निकाल लेता हूँ, या फिर उसके बाद आएगा आप सोचे कि वो भी निकाल लेता हूँ। तो उस बंदे के पास साथ भी ना वही सीन था, ठीक है। अब जैसे देखो, उसने सीजन 4 का एलीट पास लिया, सीजन 5 का एलीट पास लिया, सीजन 6 का एलीट पास लिया, ऐसे करके उसने लेते गया, ठीक है। वो सब तो अपने पैसों से लिया। बट हुआ क्या ना एक्चुअली में, कि जैसे जैसे गेम के अंदर नए नए इवेंट्स लाने गए, तो भैया घर से तो आपको उतने पैसे मिलेंगे नहीं, ठीक है। और उसके पास वो उतना पैसा कमाता भी नहीं था, मतलब एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उतना तो पैसा वो कमा नहीं सकता कि बंदा की डेली के डेली गेम के अंदर इलीट पास ये सब परचेस कर सके। ओके, तो हुआ क्या ना कि वो बंदे ना पैसे उधार मांगने लगा, ठीक है, जैसे अपने दोस्तों से मांगने लगा, या फिर अपने रिश्तेदार, या फिर किसी किसी भाई बंधु किसी से भी मांगने लगा ना। तो हुआ क्या एक्चुअली में, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इधर मान के चलो, अभी से 3-4 महीने पहले की बात है कि दोस्त मेरा वो पहले से ही था, बट अभी ना 3-4 महीने पहले की बात है कि वो जब मेरे से मिला ना, तो वो बंदा बोल रहा था कि अरे शुभ कैसे भी करके मेरा अकाउंट बेचवा दे, ठीक है, मतलब बिकवा दे। तो मैंने सोचा भाई ऐसा क्या हो गया, इतना तगड़ा अकाउंट तो क्यों बेचना चाहता है। गाइस सुनो, अभी ना मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं। अब एक्चुअली में हुआ क्या ना कि जिस अकाउंट के लिए उस बंदे ने उधार मांगा था, ठीक है, जिस अकाउंट को कलेक्शन बढ़ाने के लिए उसने बाकी लोगों से पैसा मांगा था, अब उसी पैसे को चुकाने के लिए उसको अपना अकाउंट बेचना पड़ रहा है, समझ रहे हो। मतलब भाई फिर फायदा क्या हो गया, उल्टा तूने भाई लोगों से उधार मांगा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को तूने मतलब खुद को बर्बाद करके रख दिया, और ऊपर से भाई तू पैसे चुकाने के लिए उसी को मतलब अब अकाउंट ही बेचेगा। तो उस बंदे ने बोला कि यार जितने भी लोग हैं वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मेरे को धमकी दे रहे हैं, तो क्या ही कर सकता हूँ भाई मैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, अब गाइस देखो, आप लोग भी ना ये बात ध्यान से सुनो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस देखो, सबसे पहली बात कि गेम के अंदर अगर आप खुद से अर्न नहीं करते हो तो टॉप अप तो करना ही मत, भूल के भी मत करना। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बात आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यही सेम बात मैंने उस बंदे को 3 महीने पहले बोला था। मैंने उसको बोला भाई देख, तू अगर अकाउंट सेल करता है तो देख, पहले तो तू भाई बंदा, मैंने उसको भाई मुंह पे बोला भाई तू पागल है, ठीक है, मतलब गेम के पीछे पहले तो तुमको इतना पागल होना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात कि अगर तूने इतना मेहनत किया है, ठीक है, अब गाइस देखो, टॉप अप भले उसने किया हो, बहुत ज्यादा किया हो, बट कुल मिला के भाई उसका लेवल भी 82 था। मतलब आप समझ के चलो ना कि गेम के अंदर भी बंदा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बंदा घटिया खेलता है, ठीक है, उस बंदे का 8 का KD आप लोग समझ सकते हो, और हेडशॉट रेट तो भैया 62 या फिर 65 ऐसे कुछ था। तो मैंने भाई बंदा तगड़ा खेलता है गेम, ठीक है। तो मैंने उसको बोला भाई देख, अकाउंट मत सेल कर, तूने जितने भी अपने लोगों से उधार ले रखा है ना, उनको बोल कि भाई तू मेरे को 2-3 महीने का टाइम दे। और अब मैंने उसको बोला कि भाई देख, तू कुछ काम कर, ठीक है, तू साइड बिजनेस कुछ कर। तो उस बंदे का मैं बता तू अभी क्या करता है, वो बंदा ना अभी कोडिंग करता है, ठीक है, अभी वो बंदा कोडिंग करता है। और मैंने जैसा मैंने उसको बोला, उस दिन से ना उस बंदे ने टॉप अप नहीं किया, ठीक है, एक डायमंड का भी टॉप अप नहीं किया अभी तक। मतलब देखो, अभी वो कोडिंग करता है ना, तो अभी तो वो इतना अर्न कर लेता ना कि हर सीजन का इलीट पास का वो लोग जो बैचेस होता है ना, 250 बैचेस, वो बैचेस तक खरीद सकता है, ठीक है। बट उस बंदे ने उस दिन से 1 रुपए का भी टॉप अप नहीं किया, प्लस कोडिंग कर करके उसने जो अर्न किया था ना, वो पैसे से पहले तो अपना पैसा चुकता किया, और देन भाई मतलब अभी गेम खेलता वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गेम छोड़ दिया। और आप चाहो तो मिल भी सकते हो, ठीक है, आप मेरे को कोई डेट बताना, शायद मैं उस दिन लाइव आऊंगा। आप लोग मेरे को कमेंट बताओ, ठीक है, आप लोग उस बंदे से मिलना चाहते हो कि नहीं। अगर आप ज्यादा, मैंने देखा कि हाँ बहुत बंदे मिलना चाहते हैं, तो मैं उस बंदे से आपको मिलवाऊंगा भी, ठीक है। तो जस्ट वही सीन है कि उस बंदे ने ना 3 महीने पहले बिल्कुल ही टॉप अप करना छोड़ दिया, मतलब 10 वाला एयर ड्रॉप भी परचेस नहीं करता। मैंने बोला भाई इतना भी चेंज मत हो जाए यार, कम से कम 10 रुपए का टॉप अप करना। बट उसने बोला नहीं भाई देखो, गेम को अभी ना वो बंदा गेम को सिर्फ गेम के वे में ही लेता है, मतलब अभी सिर्फ
सिर्फ उसके लिए ना गेम का दुनिया, पहले उसका होता क्या था ना कि वो भाई रियल लाइफ को गेम के लाइफ के साथ पूरा ये कर दिया था, मतलब मिक्स कर दिया था, बट अभी उसने अपना पर्सनल लाइफ को अलग कर दिया, गेम लाइफ को अलग कर दिया। भाई गेम अलग, पर्सनल लाइफ अलग, ठीक है। तो मैं आप लोग को भी यही बोलूंगा कि यार आप भी अपना पर्सनल लाइफ अलग करो, गेम का लाइफ अलग करो, गेम बस खेलो एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। और लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने ज्ञान झाड़ दिया आज, लोल, बट कोई बात नहीं गाइस, होप कि आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बस मैं एक सेकंड, अभी गाइस हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई मेन चीज़ तो बोलने भूल गया ज़्यादा ज्ञान बांटने के चक्कर में। सो यार देखो, अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले बहुत ही कमाल के न्यू इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। और उससे पहले रुको जरा, सबर करो, पहले तो यार वीडियो को लाइक करो। देखो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, मैंने इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाया, तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। गाइस देखो, आप लोग ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो गाइस, अब भी करो, ठीक है, अब भी कभी सब्सक्राइब करो। सो गाइस यहां पे ना सीन क्या है कि 18 तारीख, ठीक है, 18 सितंबर को हमारे गेम के अंदर एक ब्रांड न्यू मोड देखने को मिलेगा। और भाई ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि काफी ज्यादा तगड़ा मोड हो, बट गाइस ये जो मोड होगा ना उसके अंदर हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लाइक डायमंड रॉयल का वाउचर मिलेगा और एक शायद ये पता नहीं क्या है, मैं नाम भूल गया, ओ भाई ये क्या है, सो गाइस मैं इसका नाम भूल गया, बट हाँ आपको दो रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले। बट देखो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो अलग बात है, बट हमारे गेम के अंदर एक न्यू मोड आएगा। और सही बता रहा हूँ यार, ये फ्री फायर की भी गलती है, ये लोग जितना नए नए इवेंट्स लाते हैं ना, मतलब पता है अपडेट्स एंड इवेंट्स की वीडियोस में ना भाई अपडेट्स से ज्यादा तो इवेंट्स ही होते हैं, आप लोग को भी पता है, कभी कभी तो अपडेट्स होते ही नहीं है भाई, सिर्फ इवेंट्स होते हैं, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ यार ज्यादा से ज्यादा अपडेट बताओ, बट अपडेट आते ही कहाँ है भाई, सिर्फ इवेंट्स तो आते हैं गेम के अंदर, अपडेट में यही न्यू मोड्स आएंगे या फिर कभी कभी भाई क्या ही बोलूँ मैं, अपडेट्स नहीं आते यार। पबजी में आप लोग देखोगे ना भाई, हर दिन वो लोग नए नए मोड्स लाते हैं, हर दिन नए नए गन्स लाते हैं, मतलब गन्स नहीं, मतलब अगर आप देखोगे ना, आप एक बार सर्च करना जाके YouTube पे PUBG मोबाइल न्यू अपडेट, आपको भाई बहुत ज़्यादा अपडेट्स ही दिखेंगे, इवेंट्स तो दिखेंगे ही नहीं, बट वही आप सर्च करोगे फ्री फायर न्यू अपडेट तो बस आपको इवेंट के वीडियोस दिखेंगे। तो ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुझे गलत लगता है, बट लेट्स सी गाइस क्या होता है, फ्री फायर को भी पैसा कमाना है, बट इतना कौन पैसों के पीछे भागता है भाई, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सो गाइस इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर एक न्यू मोड आएगा, सॉरी इमोट आएगा, जहाँ पे ना ये फ्लैग वाला इमोट है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये वाला गिल्ड का एक फ्लैग गिराएगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि क्या ये फ्लैग के अंदर हमारे गिल्ड का नाम आएगा, जैसे मान के चलो एक फ्लैग का इमोट है अभी जो हमारे गेम के अंदर, जिसको कि हम लोग ऐसे फ्लैग वाला इमोट करते हो तो ऊपर हमारा नाम फ्लैश करता है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि अगर फ्लैग वाला इमोट करते हो तो आपका नाम फ्लैश होगा। तो क्या अगर हम ये गिल्ड वाला इमोट करेंगे तो क्या हमारे गिल्ड का नाम शो करेगा? तो यार देखो इसका तो आंसर मेरे को नहीं पता, बिकॉज ये मोड अभी तक फ्री फायर ऑफिशियल की तरफ से अभी तक ये कन्फर्मेशन निकल के नहीं आया, मतलब किसी भी सर्वर के अंदर नहीं आया, ठीक है, ये सिर्फ अभी डाटा माइनर्स के पास है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कन्फर्म नहीं बता सकता कि इसका क्या सीन है। बट अगर यहाँ पे गिल्ड का नाम शो करेगा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने को लगेगा। बाकी गाइस आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे गिल्ड का नाम शो करे या नहीं? मैं तो चाहता हूँ गिल्ड का नाम शो करे, ऐसे कतई ऐसे झंडा गाड़ेगा और ऊपर लिखाएगा GWS आर्मी जो कि मेरे गिल्ड का नाम है। और हाँ, अगर आप भी गिल्ड में आना चाहते हो तो इसका सिंपल सा रिक्वायरमेंट है, आपका लेवल बस 60+ होनी चाहिए और KD 2 की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग अपना प्रोफाइल का मेरे को स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको आना है कि नहीं, ठीक है। तो बस मेरे भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको कतई मजा आया होगा, और अगर आप उस बंदे से मिलना है तो मुझे कमेंट बताना कि हाँ भैया मिलवाओ उसे, ठीक है। तो चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और चलो गाइस सायोनारा।